हम यंग लोग संभालेंगे, आप बैठो। मम्मी मम्मी कॉन्फिडेंस कहाँ पर है? अरे ये तो रही समर। हे थैंक्स मम्मी। किंजल ने तैयार किया। स्वीटी को अपनी माँ हमेशा पुरानी लगती थी ना, तो उसने मुझे कभी अपने दोस्तों से मिलाया भी नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि आज उसका जन्मदिन है, सारे दोस्त घर पे आने वाले हैं, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा नई बन जाऊं। वैसे भी उसके पापा नहीं है तो मुझे उसके दोस्तों से बात करनी पड़ेगी ना। वैसे इतने हाई फाई बच्चों के साथ बात कैसे करूंगी समझ में नहीं आ रहा है, पर कर लूंगी। तू तो खुद रेखा बन गई, तो मुझे भी तो रीना रॉय जैसी बनाना था। अब सबके सामने मैं तो एकदम निरूपा रॉय जैसी लगूंगी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। बच्चों की खुशी के लिए तू कितना कुछ कर रही है, नई नई चीजें सीख रही है। देखने में बड़ा आसान है, लेकिन एक उम्र के बाद अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा जीजा जी ने। मैं और जीजा जी तो है ना कुर्ते बदलने में ही थक जाते, लेकिन तुम अपने आप को बदलने में कभी नहीं थकती। तुम कुछ भी कर सकती हो। मामा बड़ी, इसलिए तो मेरी मम्मी रॉकस्टार है। रॉकस्टार। ये स्वीटी कहाँ रह गई? सारी तैयारियां हो गई, बस उसके आने का देर है। जब वो आएगी तो घर को और हमको ऐसे तैयार देखकर कितना खुश होगी ने। वो जब खुश होती है तो अंग्रेजी में क्या चिल्लाती है? OMG, this is so beautiful. मस्त है ना? बाकी बेटा पापा, happy birthday. Thank you so much, पापा. I'm so happy. ये सब आपने किया ना? Thank you so much. ये सब मैंने नहीं, ये सब तुम्हारी बेस्टी ने किया है। Happy birthday, Pakhi. Thank you. तुम अब तक मुझसे अपसेट हो पाखी? कोई अपनी बेस्टी से इतनी देर तक नाराज रह सकता है क्या? पाखी, यू नो हाउ मच आई लव यू, राइट? मेरे लिए इतना सब करने के लिए थैंक यू। ये सब तो कुछ भी नहीं है, असली पार्टी तो अब शुरू होगी। थैंक यू, पर मुझे घर जाना है, मम्मी वेट कर रही होंगी। अरे लेकिन वो पार्टी तो रात को है ना, तब तक के लिए यहाँ एंजॉय करते हैं ना। या पाखी, शी इज राइट, अब यहाँ है तो यहाँ की पार्टी एंजॉय कर लेते हैं ना। और वैसे भी देखो ना, तुम्हारी बेस्टी ने कितने अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पर सब कुछ कितना कूल एंड हैपनिंग है। जस्ट इमेजिन कितनी अमेजिंग पिक्चर्स आएंगे यहाँ पर। यस, मेरी प्रिंसेस का बर्थडे, आज एक नहीं दो पार्टीज होंगी, एक यहाँ पे और एक घर पे। मेरी स्वीटी का बर्थडे केक ही नहीं, केक काटने वाला चाकू भी सुंदर होना चाहिए। कहाँ रह गई है लड़की?
बोलो, फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी? सारा दिन फोटो ही खींचती रही होगी ये लड़की। वैसे भी कल कह रही थी कि पिक्चर के बाद पापा से मिलने जाएगी, तो हो सकता वहां गई हो। तुम वेट कर रही हो अनुपमा, करती रहो क्योंकि ये पार्टी तो अब लंबी चलेगी। आठ बज गए लेकिन स्वीटी की बच्ची अब तक नहीं आई। जिसका बर्थडे वही गायब है। रुको, मैं फोन लगाती हूँ वरदराज को। कोई जरूरत नहीं, उन्हें पता है घर में पार्टी है, आ जाएंगे अपने आप। अरे कई दिनों बाद बाप बेटी को एक साथ समय बिताने का मौका मिला है, तो कहीं घूमने चले गए होंगे। एक तरह से ये भी सही है, वनराज का दिल बहल जाएगा, वरना परिवार से अलग रहना इतना आसान नहीं है। अनु बेटा तू चिंता मत कर, आ जाएंगे वो। जी बाप जी। मम्मी, कहीं स्वीटी के पापा जानबूझ के कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे? सब कुछ छीन लूंगा तुमसे, यहां तक कि बाप बापूजी और बच्चे भी। तू बाई या टोली बहन से कहने उनको फोन करे। पापा टाइम क्या हो रहा है? घर भी तो जाना है, वहां पे भी तो पार्टी, सब वेट कर रहे होंगे। फोन पापा, 8:30 बज गए, वी हैव टू लीव। ओके, आई थिंक वी शुड लीव। स्वीटी का फोन लगा था पर उसने काट दिया। वो गलती से कट गया होगा, कहीं शोर वाली जगह में होगी और फोन ऐसे ही बैग में रख दिया होगा, सुनाई नहीं दिया होगा और अपने आप कट गया होगा। एक मिनट, अभी तो केक भी नहीं काटा है। लेकिन मम्मी वेट कर रही होंगे, बस थोड़ी देर की बात है। बाकी मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए अपने हाथों से केक बनाया है। इस ट्रू पाकी, वैसे ने बड़ी मेहनत से तुम्हारे लिए केक बनाया। 10 मिनट रुक जाओ, केक काट लेना, फिर चलते हैं। अच्छा ओके, मैं मम्मी को मैसेज कर देता हूँ। मैं मैसेज कर देता हूँ, तुम केक काटो। ओके, केक काटने के बाद ना पाकी रुकेगी ना वी, और अगर ये दोनों वहां टाइम पर पहुंच गए तो मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। नो नो नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई हैव टू डू समथिंग। वाह बापूजी, मामा जी, आप लोग खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, साथ में खा लेंगे सब। आप लोगों को खाना खा के दवाई खानी है, और बापूजी आपको तो डॉक्टर भाई ने कहा है ना कि टेम टू टेम दवाई लेनी पड़ेगी। आप लोग खाना खा लीजिए। हाँ, पर पाखी के हैप्पी बर्थडे का केक काटे बिना खाना खाना अच्छा है ना बा? केक काटने तक आपका खाना हजम हो चुका होगा, फिर आप स्वीट डिश बोल के ये केक खा लेना। मैं खाना लगाती हूँ। भाई का मैसेज आया, वो 15 मिनट में पाखी को लेकर आ रहा है। तो रुक जाते हैं। नहीं नहीं बापूजी, आप लोग खाना खाने बैठिए, वो कौन सा आने के साथ फटाफट केक काटेगी? पहले तैयार होगी, फिर 100 फोटो लेगी, फिर उसके बाद 50 नखरे करेगी, इसलिए आप लोग आ जाइए ना खाने, मैं खाना लगाती हूँ। वाह कितना प्रिटी केक है। एक्चुअली ये घर पे बेक किया हुआ लग ही नहीं रहा है। थैंक यू, एनीथिंग फॉर यू डार्लिंग। कम ऑन, लेट्स कट द केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।